हाय गाइस, सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सजमा किचन में डोरा केक बना के बता रहे हैं और ये बिस्किट से। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने बड़ा साइज का और ये बिस्किट लिया है, तो इसमें से हम दो पीस लेंगे बस। इसमें तीन बिस्किट निकले हैं तो हम दो यूज़ कर लेंगे, एक को अलग कर देंगे, इन दो को यूज़ करेंगे हम। अब इसका क्रीम अलग कर लेते हैं और बिस्किट अलग कर लेते हैं। देखिए, क्रीम को हम अलग कर लेंगे और बिस्किट अलग कर लेंगे और बिस्किट का अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, बिस्किट हमने क्रीम से अलग कर लिए हैं, अब जार में डालेंगे। एक अंडा डालेंगे इसमें। थोड़ा सा आधा कप इतना दूध डालेंगे और इसको अच्छे से बारीक पीस के लाते हैं मिक्सी में। ये देखिए, मैंने हमने अच्छे से फाइन पे इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, बस इतनी थिक चाहिए हमें। ये देखिए, इसमें आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये इतना डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं और अब ब्रश की मदद से इसको सब तरफ फैला लेंगे और केक हम एक ही जगह डालेंगे। ना डालना है और हम कवर एक सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए लगा देंगे। देखिए, इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हम इसको पलटा देते हैं इस तरफ और जान देते हैं थोड़ी देर। ये हमारा दूसरी तरफ भी सीख गया है तो हम इस तरीके से सब बना लेते हैं। क्रीम हमने बिस्किट में से निकाले थे वो था और एक चम्मच इसमें चीनी डाली है और ये फ्रेश हमारी घर की मलाई है वो अब हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से बीटर से बीट करेंगे। ये देखिए, अब इस क्रीम हम इसमें लगाएंगे, तो बीच बीच में लगाएंगे। केक इस पर ढाकेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ से दबाएंगे हम, इस तरीके से दबा लेंगे तो ये हमारा पूरा सील हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह हम सारे केक को तैयार कर लेते हैं। कि ये हमारा डोरा केक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको काटते हैं इस तरीके से। ये देखिए, काटने के बाद में हमारा इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको हमारे डोरा केक की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिख के बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।